बाजार तकरीबन पैदल जाए तो 10 मिनट। हफ्ता बाद में फर्स्ट टाइम खाना खा रहे हैं, शक्ल से तो बड़ी अच्छी लग रही है बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। हफ्ताबाद हम लोग पहुंच चुके हैं, होटल में चेक इन भी कर लिया। होटल बड़ा प्यारा है। लास्ट व्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले वो देख लें फिर इस पे आए। और अब ये है कि थकन बहुत ज्यादा है, फ्रेश होने जा रहे हैं, फ्रेश हो जाऊँ, नहा लूँ पहले, और नहाने के बाद जो है फिर बाहर निकलते हैं, कुछ खाना पीना करते हैं। तो मैं पहले फ्रेश हो जाऊँ, उसके बाद मिलते हैं। तो फाइनली नहा चुका हूँ और नहा के फ्रेश हो चुके हैं। यार होटल की बात करें तो अभी जब बाहर निकलेंगे आपको बाहर से भी होटल दिखाऊंगा। होटल बहुत अच्छा है, होटल के रूम बहुत अच्छे हैं, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे, बहुत ज्यादा सफाई सुथराई। अब इस होटल के अंदर जो हमें 1500 के अंदर चीजें मिली हैं, उसके अंदर 2 सिंगल बेड हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे एक रैग है, यहाँ पे एक छोटी टेबल है, जाना माजमा ला के दे दिए, पानी की बोतल भी ला के रख दी है, और वहाँ पे एक सिंगल सोफा भी दिया हुआ है, और यहाँ पे गीजर भी है, तो पानी की भी कोई टेंशन नहीं है। और होटल बहुत साफ सुथरा है, जैसा मैं आप लोग को रूम दिखा चुका हूँ। बाकी अब ये फ्रेश हो चुके हैं तो क्रीम व्रीम लगाते हैं, उसके बाद यहाँ से बाहर निकलते हैं। भूख लग रही है बड़ी टाइट वाली, अभी देखते हैं कि एप्टाबाद के अंदर क्या चीज बहुत ज्यादा मशहूर है खाने के लिए, तो वो खाएंगे, खाते पीते थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। अपने क्लाइंट्स का कुछ चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रही है, वो इस हवाले से कि 2 दिन से ट्रैवलिंग करके हम लोग मरी पहुंचे थे और उसके बाद घूमे फिरे तो थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद काम नहीं कर पाए, तो थोड़े से काम पेंडिंग है, वो कम्प्लीट करना है आगे के लिए, 3-4 दिन के लिए बैकअप बनाना है अपने काम का, ताकि आगे 3-4 दिन जो और दूसरी जगह जाऊंगा तो वो मेरे लिए सुकून क्यों, मुझे काम ना करना पड़े, फिर वहां 3-4 दिन बाद दोबारा मुझे अपना काम करना पड़ेगा, आगे 3-4 दिन का बैकअप बना के चल रहा हूँ। सो अभी मैं थोड़ा सा लोशन लगा लूँ अपने चेहरे पे, उसके बाद चलते हैं हम लोग बस थोड़ी देर में बाहर। अच्छा अभी यह है कि हम लोगों को नमाज पढ़नी थी मगरिब की और ईशा की, तो ईशा का टाइम हो गया था, तो होटल के स्टाफ ने पहले ही लाके जाना मास यहाँ पे रख दी थी, हम लोग आए तो जाना मास का किबला पता नहीं था, तो बाहर से पता किया तो पता चला कि अंदर भी एक नमाज पढ़ने के लिए लोकेशन मौजूद है जहाँ पे हम लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मैं आप लोग को जगह दिखाता हूँ वाली, अभी असल में अंधेरा हो रहा है तो ये जगह है, मैं अंदर ज़्यादा जा नहीं सकता, जूते पहना हूँ। सो ये नमाज के लिए यहाँ पे पूरा रूम है जहाँ पे आप नमाज पढ़ सकते हैं या फिर जमात करा सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसी विंडो नहीं है रूम के अंदर जिससे आपको बाहर का व्यू दिख रहा हो, माउंटेन्स दिख रहा हो, लेकिन फिर भी रूम के प्राइस बहुत अच्छे हैं और रूम के साथ साथ बाहर होटल का माहौल बहुत अच्छा है, नया होटल बना हुआ है, बाहर से कुछ ये इस तरह का है, तो ये कुछ इस तरह से बाहर का व्यू है। हमारा वाला रूम ये रहा, तो ये स्काई टच होटल है जहाँ पे हम लोग ने स्टे किया है। बाजार कितना दूर है यहाँ से? बाजार तकरीबन पैदल जाए तो 10 मिनट। यहाँ से किधर निकल जाए? या इस साइड। सही है चले, थैंक यू सो मच। अच्छा अभी बताया है, सामने रोड है एक, वहाँ से अगर आप निकल जाएं सीधा तो एक बाजार है, बाजार पे ही वहाँ पे सारे शायद खाने पीने की चीज़ें मिल जाएँ, कुछ कंफर्म नहीं पता लेकिन चेक करते हैं अभी चल के। फर्स्ट टाइम आ रहे तो अभी नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलेगी अच्छी खाने को, कुछ चल के देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आप लोग को भी साथ साथ दिखाते हैं। मेन्यू में क्या क्या है?
पानी पीने चिकन के अंदर आपके पास क्या क्या है? चिकन कढ़ाई है, टिक्के के अंदर मलाई बोटी है और चिकन पीस है। लेग पीस दो चिकन पीस कर दीजिएगा, एक लेग चिकन बिरयानी और उसके बाद नान। ओके गाइस, तो अभी हम लोग एबटाबाद की एक स्ट्रीट पे बैठे हैं। यहाँ पे एक मार्केट है, उससे हम थोड़ा सा अपने होटल से थोड़ा सा चले के आगे आए। तो तीन चार होटल बने हुए इस लाइन में, तो हमें होटल समझ में आया जो कि अज़ार कैफ़े के नाम से है। यहाँ पे हमने ऑर्डर जो किया वो चिकन टिक्का किया, एक लेग, एक चेस्ट और चिकन बिरयानी की, साथ साथ रायता और नान किया। अब फर्स्ट टाइम एबटाबाद के अंदर खाना खाएंगे, तो खाना खाते हैं और टेस्ट करते हैं और आप लोग भी बताते हैं खाना है कैसा। गाइस, तो खाना आ चुका है, ये नान है और नान के साथ जो है ये चिकन टिक्का जो कि मेरा चेस का पीस है और चिकन बिरयानी है और ये रायता है और ये भी दूसरा कौन सा सॉस है आई डोंट नो और ये लेग पीस का जो है चिकन टिक्के का लेग पीस है, ये भी नान है। अभी खाना खाते हैं, टेस्ट करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि खाने का टेस्ट है कैसा। गाइस, तो अभी टिक्का टेस्ट करते हैं, टिक्का बताते हैं कि टिक्का है कैसा। टिक्का बेहतरीन है। चिकन बिरयानी जो है वो मुझे थोड़ी सी एवरेज लग रही है, जो टेस्ट हम खाते हैं उससे मुकाबले में अगर बात करो तो बहुत हल्की है। बिरयानी का टेस्ट जो है वो एवरेज है, मसाला बहुत कम है। फर्स्ट टाइम खा रहे हैं एबटाबाद में खाना, आई डोंट नो यहाँ का क्या टेस्ट है, लोग क्या खाना पसंद करते हैं, किस तरह पसंद करते हैं, अभी मुझे नहीं पता। ये बिरयानी का टेस्ट जो है वो मैं कहूँगा एवरेज है और टिक्के की जहाँ तक बात है, टिक्का मुझे थोड़ा बेटर लगा। टिक्के का नाम भी टिक्के के नाम से उन्होंने रखा हुआ एबटाबाद में, जैसे हम चिकन टिक्का बोलते हैं, इन्होंने जो नाम रखा हुआ उसका चिकन पीस के नाम से रखा हुआ है, लेग लें या फिर चेस्ट लें। तो जहाँ तक चिकन पीस की बात है तो मैं इसको चिकन टिक्का ही बोल रहा हूँ। तो इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगा बहुत। बिरयानी की जहाँ तक बात है, चिकन बिरयानी की, वो थोड़ी सी हल्की लगी। ये गाइस, तो खाना हम लोगों ने यहाँ पे खा लिया, अब निकलते हैं। थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, रात हो गई है, तो अभी चाय पीते हैं, चल के देखते हैं चाय कहीं मिल जाए। यहाँ पे दो और बने हुए हैं जो ढाबे टाइप के हैं, एक ये रहा एक वो रहा, हमने यहाँ पे खाना खाया था। तो अभी ये है, निकलते हैं आगे की तरफ, चाय वाय पीते हैं, चाय पीने के बाद वापसी होटल की तरफ चलेंगे। खैर, वैसे अभी रात के 10 बज रहे हैं तो सन्नाटा हो रहा है वैसे तो यहाँ की मार्केट में, यहाँ पे मार्केट भी है। तो अभी हम लोग को वैसे इतना नहीं पता था, तो फिर भी हम लोग निकल गए रात में, दिन में देखते हैं दिन में कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अभी चलते हैं, कोई चाय का होटल मिल जाए तो चाय पी लेंगे। तो जैसा मैंने बताया, रात के 10 बज रहे हैं तो यहाँ की जो मार्केट है और शॉप्स हैं वो बंद ही हो चुकी हैं, सन्नाटा हो रहा है। थोड़ी बहुत दुकानें खुली, इतनी कोई ज़्यादा दुकानें नहीं खुली ना इतनी ज़्यादा कोई रौनक खुली, और हम लोग आए भी रात को तो हम लोग को इतना पता भी नहीं चल रहा। अब सुबह उठ के ब्यूटी देखेंगे एबटाबाद की कि क्या है यहाँ के, क्या सीन है। आगे पीछे जो है चारों तरफ जो है ना यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ है, 360 आपको अगर मैं बताऊँ तो हर तरफ पहाड़ है और सिर्फ लाइटें दिख रही, दूर दूर तक होटल घर बने हुए पहाड़ों पर। तो रात का टाइम है तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, इंशाल्लाह सुबह मैं आप लोग को लाजमी दिखाऊंगा। दो पार्सल कर दीजिएगा, बस हमें टेस्ट करना ही है असल में। ये क्या चीज़ें जो आपने निकाली है, ये कौन से कबाब है और ये आप क्या चिकन तल लें? चाहिए था, हम लोगों ने खाना खा लिया था, तो खाना खाने के बाद हम लोग आ रहे थे, हमने सोचा था चाय पी लेंगे, लेकिन चाय पीने से पहले हम वापसी आते हुए हम लोग को चपली कबाब वाला दिख गया। पीछे ही रोड पे तीन चार दुकानें चपली कबाब की, बड़े मशहूर हैं, तो रश भी लगा हुआ था, तो हमने सोचा वहाँ पे चपली कबाब लेते हैं। 50 रुपये का एक चपली कबाब है, हमने दो चपली कबाब ले लिए, होटल में जाके हम खाएंगे। सामने हमारा होटल है, उसके सामने चाय का ढाबा कह, चाय का होटल है, तो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें भी हैं, तो हमने सोचा पहले यहाँ से चाय पी लेते हैं। थोड़ी ठंड भी हो रही है, खाने के बाद चाय का और ज़्यादा मज़ा आ जाता है। गाइस, तो होटल में वापसी आ गए, अभी चलो रूम में चलते हैं। ओके गाइस, तो होटल वापसी आ चुके हैं हम लोग, और खाना हम लोगों ने खा लिया था, और साथ साथ वापसी आते हुए हम लोगों ने चाय भी पी ली।
जैसा मैंने आपको दिखाया है क्योंकि ठंड लग रही थी बाहर थोड़ी सी, चाय पीने का दिल चाह रहा, चाय बहुत अच्छी थी। और साथ साथ आते हुए हमने चपली कबाब ले लिए, आते हुए पीछे वाली रोड पे तीन चार दुकानें थी चपली कबाब की, बड़े वहाँ पे मीन्स के वहाँ पे चपली कबाब तल लेते और रश भी लगा हुआ था, हमने सोचा क्यों ना ले लें। 50 रुपीज़ का एक चपली कबाब है, दो हमने लिए, हम थोड़ी देर बाद खाएंगे। अब सीन ये है कि थक गए बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी थोड़ा सा काम करना है। कल का प्लान कुछ ऐसा है कि हमें जाना है मानसरा, यहाँ से हम जाएंगे मानसरा विजिट करेंगे। तो एक दिन के लिए हमने होटल की बुकिंग की, यानी कल तक के लिए। अगर मानसरा जाने का सुबह बिल्कुल कन्फर्म होता तो फिर हम एक दिन और एक्सटेंड कर देंगे अपने होटल में, यानी परसों तक हम यहाँ पे रुकेंगे एबटाबाद में, कल मानसरा विजिट करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, और उसके बाद जो है फिर मानसरा विजिट कर लेंगे। तो परसों का दिन सुबह जो बचेगा तो परसों फिर हम एबटाबाद विजिट कर लेंगे। अभी सीन ये है कि थक बहुत ज़्यादा गया हूँ, लेकिन थोड़ा सा काम करना उसके बाद सोऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले व्लॉग के अंदर, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए और वेट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें, कॉमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि सीरीज कैसी लग रही है। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी सारी सीरीज नहीं देखी, यानी इससे पहले वाले व्लॉग्स नहीं देखे, तो जाके पहले वो देख लें, फिर इस पे आप लोग को ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।